हम लोग पार्ट थ्री से शुरू करते हैं। अभी हमने पार्ट वन पार्ट टू खत्म कर दिया था, पार्ट थ्री हम लोग शुरू कर रहे हैं पेज नंबर 14 से। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। मैंने जो है अपने लेटर को फोल्ड किया, उसको एनवेलप में डालते हुए अपने पास रख लिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जगा। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। जब मैं सुबह हुई तो मुझे मालूम था कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है उस लेटर के साथ। आई ड्रोव इन टू ब्रिटपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे। मैं ब्रिटपोर्ट पहुंचा जो कि थोड़ी ही दूरी पे था। आई आस्क्ड द बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कूपर बीचेस वॉज। मैंने एक लड़के से पूछा जो कि अपना अपने डॉगी को वो टहला रहा था, उससे मैंने पूछा कि कूपर बीचेस कहाँ पर है। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट शेल। तो हाउस नंबर 12 था वो एकदम जला हुआ था। द रूफ गैपिंग द विंडो बोर्डेड अप। आई नॉक एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ मिसेस मैकफर्सन। और मैंने बगल वाले घर पे खटखटाया और पूछा कि किसी को भी मैकफर्सन मिसेस मैकफर्सन के बारे में कोई नॉलेज है। ओ यस सेड द ओल्ड मैन हिज सीक्रेट्स ही न्यू हर वेल। जो बूढ़ा आदमी उस मकान पे था वो उसने बोला हाँ हाँ मैं जानता हूँ उनको, और उनको वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था। अ लवली लेडी, उसने कहा एक अच्छी औरत है। ही टोल्ड मी अ बिट मडल हेडेड, उन्होंने बोला थोड़ी सी वो थोड़ी मडल हेडेड है, मतलब कंफ्यूज्ड औरत है। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, पर उनकी आवाज में उनकी एज में ऐसा होता है। हंड्रेड एंड वन ईयर्स ओल्ड मैकफर्सन सब 101 साल की हो चुकी थी। हेलो हेलो, हाँ जा रहे थे तो आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, क्लियर है। तो वो पेज शेयर कर सकते हैं प्लीज? तुमको वो शेयर नहीं किया गया क्या व्हाट्सएप पे पहले? खोल कर, वो शेयर हुआ था। हाँ तो उसको खोल के पढ़ो, इस पे शेयर करेंगे तो वीडियो नहीं बन पाती, दिक्कत होती है। तुमको व्हाट्सएप पे किया हो गया होगा ना, उसको देख लो। हेलो ठीक वॉजिंग 300 ईयर, अब वो 101 साल की हो चुकी थी। वन नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैज स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। किसी को नहीं मालूम उसका घर कैसे जला था, तो हो सकता है शुरुआत जो है कैंडल्स से हुई हो। बिकॉज शी यूज कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो हमेशा जो है कैंडल्स यूज करती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज करती थी। बिकॉज और उनको लगता था कि मिसेस मैकफर्सन को लगता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काफी महंगी है, इसीलिए वो कैंडल्स का यूज करती थी, इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करती थी। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। जब उनके घर पे आग लगी तो उनको एक फायरमैन ने जो है उनको जो फायरमैन ने बहुत ही सही समय पे सही मौके पे निकाल दिया। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ ही टोल्ड मी। अब वो एक नर्सिंग होम में शिफ्ट हो गई है, जो पड़ोसी था उसने जो है राइटर को बताया। बर्मिंगटन हाउस था उस नाम का, ऑन द डॉरचेस्टर रोड, डॉरचेस्टर रोड पे ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, दूसरे हिस्से में टाउन। आई फाउंड बर्मिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजली इनफ। राइटर को बहुत आराम से बर्मिंगटन हाउस मिल गया। देयर वर पेपर्स चेन अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लॉपसाइडेड एंगल ऑन टॉप। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां क्रिसमस लाइट लगी हुई थी, और वहां पर जो क्रिसमस लाइट थी और क्रिसमस ट्री वगैरह सब वहां सजी हुई थी कॉरिडोर में ही। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड
केम टू विजिट मिसेस मैकपर्सन. मैंने उन्हें बताया कि मैं मिसेस मैकपर्सन के एक फ्रेंड हूँ और मैं उनसे मिलने आया हूँ. आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग. मैं जब वहां से पास हुआ था तो मैंने डाइनिंग रूम में देखा कि काफी लोग वहां पर मौजूद थे जिन्होंने पेपर हैट पहन रखी थी और वो क्रिसमस का गाना गा रहे थे. द मार्टिन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी. जो फीमेल, उसको मार्टिन को बोलते हैं फीमेल नर्स, ठीक है, फीमेल नर्स ने भी जो है एक कैप पहन रखी थी और वो उसको राइटर को आते देख के बहुत खुश हो गई. शी इवन ऑफर्ड मी अ माइंस पाई. उन्होंने उसको जो है राइटर को एक पाई का भी पेशकश की, लीजिए आप सब पाई खाइए. शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर. मिसेस फर्गसन इज नॉट इन विद द अदर्स, she told me. वो नर्स उसको लेके गई मिसेस मैकपर्सन के पास और रस्ते में उसको बताया कि मिसेस मैकपर्सन जो है बाकी लोगों के साथ नहीं रहती हैं, मिसेस मैकपर्सन दूसरों के साथ नहीं रहती हैं. She rather confused today, so we thought it's best if she had a good rest. आज वो कुछ कंफ्यूज दिख रही थी इसलिए हमने उनको आज रेस्ट के लिए अपने कमरे में रहने दिया. She has no family, you know, no one visits. उनके पास कोई, वो नर्स जो थी वो उन्होंने राइटर को बताया कि उसके उनके पास कोई, मतलब कि मिसेस मैकपर्सन की कोई फैमिली नहीं है और वो अकेली ही रहती है और उनको कोई विजिट नहीं करता. सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू. और मुझे मालूम है कि वो आपको देख के बहुत खुश होंगी. शी टुक मी इन टू द कंजर्वेटरी विद विकर्स चेयर. कंजर्वेटरी मतलब कि एक सुरक्षित कमरे के अंदर वो उनको लेके गई विद विकर्स चेयर और पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड द पॉटेड ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी. वहां पर विकर्स चेयर रखी हुई थी और काफी पेड़ लगे हुए थे वहां पर उस कमरे के अंदर. उनको उसने वहां पर छोड़ दिया उस राइटर को. द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन हर व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप. जो मिसेस मैकपर्सन थी वो एक चेयर पे बैठी हुई थी, उनके दोनों हाथ जो ऐसे फोल्ड हुए थे और उनके घुटने के पास थे. शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन. वो गार्डन की तरफ देख रही थी. गेजिंग मतलब देखना, लगातार देखते रहना. हेलो आई सेड. मैंने उनसे कहा हेलो. शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली. उन्होंने उसकी तरफ, राइटर की तरफ देखा और देखती रही ब्लैंक माइंडेड से. मतलब उसको मालूम नहीं था कि इस ये आदमी कौन है, इन्होंने मुझे हेलो क्यों कहा. हैप्पी क्रिसमस कोनी आई वेंट ऑन. मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस कोनी और वो कंटिन्यू बात करने लगा. आई फाउंड दिस. आई थिंक इट्स योर्स. मुझे कुछ मिला है और मुझे लगता है कि ये आपका है. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस. मैं जैसे जैसे उनसे बात कर रहा था और उनकी जो जो उनकी जो आंखें थी वो मेरे चेहरे को नहीं छोड़ रही थी. आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर. मैंने जो है उस टिन बॉक्स को खोला और मैंने उनको वो चीज दी जो उनकी थी. दैट वॉज द मोमेंट इन हर आईज लिट अप विद रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकम suffused with a sudden glow of happiness. उसको देखते ही उनके चेहरे पे एक चमक आ गया और वो बहुत खुश हो गए. I explained about the desk, about how I found it, but I don't think she was listening. मैंने उन्हें बताया कि मैंने वो स्टोरी बताई कि वो मुझे डेस्क कहाँ से मिली और ये लेटर मुझे कैसे मिला. मुझे नहीं लगता था कि वो मुझे सुन रही थी. For a while she said nothing, but stroked the letter tenderly with her fingertips. उन्होंने जो है वो पर थोड़ी देर बाद उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और उन्होंने जो है उनसे वो लेटर लेके अपने हाथों से खोल दिया. Suddenly she reached out and looked my hand. वो मेरी तरफ देखी और उन्होंने मेरे हैंड्स की तरफ उन्होंने वो मेरी तरफ हाथ बढ़ाई और उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ अब मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया. हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स. उनकी आंख जो है आंसू से भर गई थी.
You told me you would come home by Christmas, dearest, she said. आंसू बहाते हुए उन्होंने कहा कि तुमने मुझसे कहा था, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम क्रिसमस के दिन तुम आओगे. And here you are, और तुम आ गए. The best Christmas present in the world. और उन्होंने कहा कि ये best Christmas present है दुनिया का मेरे लिए. Come close, Jim. Dear, sit down. उन्होंने उससे कहा, Jim, आओ मेरे बगल में बैठो. I sat down beside her and she kissed my cheek. Read. उन्होंने मुझे अपने बगल में बैठाया और मेरे cheeks पे उन्होंने kiss किया. I read your letters so often, Jim, every day. I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me. Hello? Yes, sir. अच्छा सभी तुम भी आ गए तुम वापस? Yes, sir. चलो good. I sat down beside her and she kissed my cheeks. I read your letters so often, Jim. Every day, I wanted to hear your voice in my head. जो मिसेस मैकपर्सन थी, उन्होंने जो है बताया कि मैं जिम का लेटर अक्सर मैं रोज पढ़ती हूँ और जब मैं उसको पढ़ती हूँ तो मैं अपने दिमाग में उनकी अपनी जो जिम था जो हस्बैंड था उनका उनकी आवाज को अपने दिमाग में महसूस करती. It always made me feel you were with me. और वो उनको हमेशा महसूस होता है कि तुम मेरे पास हो. And now you are, और अब देखो तुम यहाँ पर हो. Now you are back, you can read it to me yourself. अब क्योंकि तुम यहाँ पर आ गए हो, उनको वो लग रहा था कि वो जिम है जो वहां पर आया था, तो इसीलिए वो उनसे कह रही थी कि अब तुम अपना लेटर खुद ही पढ़ो मेरे लिए. Would you do that for me, Jim dear? I just want to hear your voice again. Please, क्या तुम मेरे लिए चीज करोगे? मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी एक बार और. आई वुड लव दैट सो मच. राइटर ने कहा मैं इसको करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये करने के लिए. आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी. और उसके बाद हम लोग बैठ के फिर कुछ हम लोग चाय पियेंगे. आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक. मजी एपन ऑल अराउंड. I know how much you love marzipan. मुझे मालूम है कि तुम्हें marzipan कितना अच्छा लगता है. बस that's it. marzipan मतलब होता है केक के ऊपर जो बताया था ना पिछली बार स्टफ जो पूरा उसके ऊपर वो कवरिंग होती है उसी को कहते हैं. उसके बाद उन्होंने बस लेडी को लेटर मिल गया और कहानी खत्म. शब्बीर तुमने तो पिछली क्लासेस ली नहीं होंगी, अटेंड नहीं की होंगी. यस सर, कनेक्ट नहीं हो रहा था. तुमने ये स्टोरी पढ़ी फिर? सर वहां पे पढ़े हैं, वो बुक सर जो भेजे थे उसमें पढ़े हैं. चलो ठीक. जागृति तो आवाज आज बहुत स्लो आ रही है. हेलो. हाँ आप ठीक आई. चलो कुछ और बताओ. सर वो जरा जो सेकंड पार्ट के जो आपने स्टार्टिंग से जो स्टार्ट किया था ना, वहाँ मेरा वहाँ पे कनेक्शन नहीं हो पाया था. क्या आप मुझे वहाँ से थोड़ा सा बता सकते हैं? अच्छा अच्छा, जो पार्ट थ्री का कनेक्शन हुआ था. No, sir, part second, जो आप पढ़ा रहे थे, जो अभी आप पढ़ा रहे थे. हाँ वो part three है बेटा. ये सब starting से, मतलब part second का starting से. Part three का starting. Third, ये था कि जब उसने letter देख लिया था तुमको तो पता ही है, ठीक है. उसके part three में part two में letter खत्म हो गया था. part three में ये था कि जो राइटर था उसने जो है लेटर को फोल्ड किया, उसने अपने जेब में रखा. वो पूरी रात सोया नहीं कि उसको वो सोच रहा था कि अब मुझे इसके साथ क्या करना है. उसके बाद जब वो जब सुबह हुई तो उसको समझ में आ गया कि उसने अपना मन बना लिया कि मुझे इसमें क्या करना था. उसने अपना मन बना लिया था कि अब उसको जो है ये लेटर कोनी को देना है. उसके बाद राइटर ने उस लेटर को
लेकर के कोनी का घर ढूंढा। जब वो कोनी के घर पे पहुंचा तो उसने देखा कि कोनी का घर पूरा जला हुआ है। तो उसने जो है उसके पड़ोसी से बात की, कोनी जिसको लेटर लिखा गया था बेटा, वो लिखा ना डियरेस्ट कोनी पार्ट टू में, डियरेस्ट कोनी, मिसेस मैकफर्सन को कोनी के नाम से बुलाता था ना उसका हस्बैंड जिम। यस सर, और जिम को मिला था। हाँ हाँ, तो उसके बाद जो है वो मतलब कि वो मिसेस मैकफर्सन को ढूंढने जाता है, उनका घर जला हुआ रहता है। तो वो जो है उनके पड़ोसी से पूछता है, तो पड़ोसी बोलता है कि वो अब नर्सिंग होम चली गई हैं, शिफ्ट हो गई, क्योंकि वो 101 साल की हो गई थी, 101 ईयर्स की हो गई थी। तो वो उनको ढूंढते ढूंढते नर्सिंग होम चला जाता है, और नर्सिंग होम में उनसे उनकी मुलाकात हो जाती है, जहां वो उनको लेटर देता है और पढ़ के बताता है। ठीक, और कुछ? चलो, अब आज तो हम लोग का टाइम बहुत निकल गया, अब हम लोग जो है नेक्स्ट टर्न पे इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है शब्बीर, चलो गुड, थैंक यू सर, ओके बाय बाय। भैया बताओ जी, पढ़े? हाँ जी, यस।